मोदी बहुत ही गंदा है। मोदी नहीं दिल्ली में चाहिए, मोदी नहीं चाहिए आप लोग, मोदी नहीं चाहिए। मोदी का डोरा दे दिया, भीख मंगा दिया, झोंकड़ी झुप्पी करा दिया। मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। मोदी पुलिस को लाके खड़ा कर देता, पहले पुलिस आ जाओ, पहले पुलिस आ जाओ। केजरीवाल कुछ अच्छा करता पुलिस ले आता। युवाओं का करियर खा गया मोदी, बकवास करता है। यहाँ चाय बना रहा, चाय बनाने वाला युवा बच्चे को चाय बनवा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से आज जन सैलाब देखने को मिला है, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल की रिहाई हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, केजरीवाल की रिहाई भी होगी और ये बीजेपी वाले तड़ी पार भी होंगे पूरे देश से, क्योंकि ये बेईमानों की सरकार है। इनका अब खात्मा होने जा रहा है। 2024 में एक इतिहास बनने जा रहा है जिसमें पूरा देश संघर्ष में लगा हुआ और ये पूरा बीजेपी की गवर्नमेंट तड़ी पार होगी अभी 2024 में। लेकिन 2024 में तो वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम लाल किले से फिर से झंडा फहराएंगे। वो तो बहुत कुछ बोल रखे हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है। अभी देखना जनता क्या बोलती है, अभी वो देखना है, फिर बोलना कि हाँ इन्होंने सही बोला है। वो तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। उनके कहने से क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं ना, इधर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं इन बेईमानों के खिलाफ, पूरा देश इकट्ठा हो रखा है। हाँ सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से केजरीवाल जो है, उसमें एक LG का बयान आया है कि जो दिल्ली है वो जेल से नहीं चल सकती है, लेकिन जनता कह रही है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, जो हाईकोर्ट ने कहा है ना वो तो माने है ना। हाईकोर्ट ने कहा है कि जेल से सरकार चल सकती है, ये कानून है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जो हाईकोर्ट ने कहा है जो मानना पड़ेगा सबको। लेकिन साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि आप क्या सेट कर रहे हैं कि एक जो अपराधी है वो जेल से सरकार चलाएगा। नहीं, किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं होता, ठीक है ना। वो तो सच को दबाने की कोशिश है, वो तो सच को दबाने की कोशिश है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मियाणी, मैं जोगिंदर जल्द का क्लास में जूनियर पार्टी में ओनर पार्टी आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब देना है, वो अपराधी है केजरीवाल? चार्ज लगा उसे कोई? आरोप तो लगे हैं ना, आरोप लग गया डे टू डे कोर्ट चला के साबित करने से सब कुछ इन्हें खोलेगा, क्योंकि उसके पास साबित तो नहीं होगा। मतलब उसकी डे टू डे ला के कोर्ट साबित करने, संजय सिंह का कारण, सतेंद्र जैन का कारण, सिसोदिया का कारण क्यों नहीं करते? तो चार्ज झूठे आ। आप लोग बार बार सड़कों पर आते हैं केजरीवाल के समर्थन में, लेकिन आप ही लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, आप लोगों को जो है प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जाता है। यही तो तानाशाही है, इसी को तो रोकना है। ये तानाशाह सरकार है, रंगा बिला की सरकार है, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, इसको हम अब उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि पंजाब हर मूवमेंट को चलाता है। अभी पंजाबी इकट्ठा हो गया है क्योंकि देश की आजादी की मूवमेंट देख लो, कोई भी मूवमेंट, हर राज्य से लोग आए, आप लोग आए पंजाब से। हम लोग पंजाब से आए हैं ना, अब दिल्ली आ गए हैं ना, अब दिल्ली से रंगा बिल्ला की सरकार उखड़ने वाली है, ये सब तड़ी पार होंगे। किस बिना पे कह रहे हैं कि सरकार उखड़ने वाली है? क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है जो इसने किया है ना, जो इसने किया है ना केजरीवाल के साथ, सिसोदिया जी के साथ, लोग बहुत सूझवान तरीके से। अगर कहा जाए तो ED CBI स्वतंत्र होती है, तो क्या वो मोदी के कहने से थोड़ी ना चलती है? मोदी को आप टारगेट कर रहे हैं, ED CBI स्वतंत्र है, उनको अगर कुछ सबूत मिले होंगे तभी तो जाकर गिरफ्तार किया गया होगा। ED CBI 10-15 साल पहले स्वतंत्र होती थी, लेकिन अब तो इनकी कठपुतली है। अब तो ये जो कहते हैं ना ED CBI, ये वर्तते हैं इनको, ED दबाव में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि जानती ED भी है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कोई घपला नहीं किया है।
दबाव में काम कर रही है, दबाव में काम कर रही है, दबाव में काम कर रही है। हाँ, ये मोदी जी के दबाव में काम कर रही है। और ये जो पीएलए कानून है, ये पीएलए कानून इसलिए बनाया गया, जैसे इमरजेंसी लगा दी जाती है बगैर किसी सबूत के किसी को भी अंदर कर देना और उसकी जमानत ना मिलना पा ना मिले। लेकिन बिना जो मुख्य जो नेता है उनके बिना जो है जो पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनसे लड़ पाएगी आम आदमी पार्टी? देखो, अगर ईमानदार ना होते और लड़ने की स्थिति में नहीं होती तो ये जन सैलाब आज पूरी दिल्ली को, लोगों ने अपने जमीन को दिल्ली की अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, इतनी पब्लिक दिल्ली के अंदर है। ये जन सैलाब क्यों आया? इसलिए आया। कितने लोग होंगे जहाँ तक आने में? 2-3 लाख के आसपास तो होंगे होंगे। 3 लाख के आसपास? 3 लाख है मेम साहब। दाएं बाएं से देखो, पैर रखने के लिए जगह नहीं है सड़कों पे। ईमानदार है, पब्लिक के लिए काम कर, तभी ये लोग आए अपने घरों से निकल के। परमिशन भी शेयर कीजिए, समझे ना बात को। ये परमिशन कब तक की मिली है? परमिशन का हम तो देखो पब्लिक के आदमी है। 20,000 की परमिशन है जी? 20,000 की परमिशन। अरे ये तो 20,000 की भी नहीं देते, ये तो होनी नहीं देते, ये तो पब्लिक है, पब्लिक खड़ी है अरविंद जी के पीछे, इसलिए है। नहीं तो ये तो कभी का मार देते, हम भी मार दें। अब भाई एक बात बताओ, वो महिला खिलाड़ी थी बेचारी, उसको रोड पर घसीटा गया, जंतर मंतर में धरना था, उसकी इज्जत को तार तार किया गया, किसी एक महिला को जलाया गया, बलात्कार किया गया, कौन मान रहा है, कौन सुन रहा है? किया कुछ मोदी जी ने? यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल हैं, अगर साथ ना होते तो उत्तर प्रदेश से आते क्यों? सच्चाई के साथ यूपी से आए हैं। आप लोग यूपी से आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यूपी से, बहुत सारे लोग आए हैं और केजरीवाल के समर्थन में आएंगे। केजरीवाल को रिहा करा जाए? बिल्कुल बिल्कुल रिहा किया जाए, कि जिस प्रकार से उनको असंवैधानिक ढंग से, अलोकतांत्रिक ढंग से उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये सरकार जो है फांसीवादी है। असंवैधानिक ढंग से थोड़ी ना करा गया, ईडी ने जब 9 समन भेजे उसके बाद भी जब केजरीवाल ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया उसके बाद वो गिरफ्तार किया गया? रिप्लाई दिया। उन्होंने पूछा भाई मुझे कम से कम ये सब बता दो, मेरा कसूर क्या है, किस लिए मेरे पर नोटिस भेज रहे, किस कानून के तहत मेरे पर नोटिस भेजे, मेरा कसूर क्या है मुझे बताओ, मैं आऊंगा। उन्होंने बार बार कहा और फिर गए भी, अपनी सभा में उन्होंने सब कुछ पेश किया, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहे कोई कसूर ही नहीं है उनका। लेकिन आगे अभी कार्रवाई की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। उत्पीड़न करना है उनको, उत्पीड़न करना है उत्पीड़न देखो उत्पीड़न क्यों करना है? मैं भी जानता हूं उत्पीड़न करना है, हर जगह उत्पीड़न कर रहे हैं, अभी झारखंड में किया, अभी देखिए दिल्ली में किया, और कितनी सरकारों को, कांग्रेस की कितनी सरकारों को इन्होंने गैर लोकतांत्रिक ढंग से गिराया है, इसको भी जनता जान रही है। कई उत्तराखंड से लेके कर्नाटक से लेके गोवा तक और कई जगहों पर ये बराबर, राजस्थान में नहीं सफल हुए, मध्य प्रदेश में नहीं सफल हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सफल हो गए, बाद में कमलनाथ को भी हटा के ये बनवाए, ये सब क्या है? चुनाव में एमएलए कानून का बदल के एक ऐसा कानून तुरंत लाया जाए ताकि जो शरीफ आदमी है उसका दुरुपयोग ना किया जाएगा, उसको गलत तरीके से जेल में ना ठोसा जाए। कांग्रेस का भी अभी देखिए आयकर की नोटिस आई है, आज तक तो हमें जानते थे राजनीतिक दलों का जो चंदा होता है उसका कोई आयकर नहीं होता था, ये किस तरह का कानून है? अभी आप जो है संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति को बुलाया नहीं मोदी जी ने, ये इनकी तानाशाही है, इनकी ये फासिस्टवादी सरकार है। आपके पास भी आते हैं, यहाँ पे महिलाएं देखने को मिल रही होंगी, यहाँ पे देखिए आपको महिलाएं दिख पा रही हुई किस तरीके से केजरीवाल के जो है समर्थन में आई हुई है। मैम क्या लग रहा है, क्या छुड़ा के ही जाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे केजरीवाल को छुड़ा के लेके जाएंगे। अतिथि तरह मान करते हैं हमें, हमारा पिता जैसा है, हमारा भाई जैसा है, मोदी नहीं दिल्ली में चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, आप लोग मोदी नहीं चाहिए, मोदी का डोरा दे दिया, भीख मंगा दिया, झोंकड़ी झुप गा दिया, मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल केजरीवाल राम भक्त कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा, राम बनाया, राम ने राम नहीं, राम बनाए नहीं, खुद के मोदी बनाया, हमें कर करके
गंदा है। मैडम राम के नाम प्राइवेटाइजेशन का मुझे एक बेनिफिट बता दो आप। नाम प्राइवेटाइजेशन का एक बेनिफिट बता दो मुझे। प्राइवेटाइजेशन से फायदा ही फायदा होने वाले सरकार के हाथों में, आप लोगों के हाथों में होगा सब कुछ। रेल प्राइवेट कर दी, क्या बेनिफिट हो गया? कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। आज भी वेटिंग की टिकट कंफर्म नहीं होती, आज भी नहीं होती, आज भी रेलवे के टॉयलेट वैसे ही गंदे मिलते हैं। वंदे भारत तो चलवाइए, उससे फायदा हुआ है। कोई वंदे भारत ट्रैवल नहीं करता मैडम। 1600 रुपए की टिकट आती है और एक मजदूर करने वाला बंदा वंदे भारत की ट्रैवल करेगा। आप करवा रहे हो, आप करवा रहे हो वंदे भारत में सफर? दिन भर का 400-500 रुपए कमाने वाला मजबूर 1600 रुपए की टिकट करके वंदे भारत कहाँ जाएगा? मोदी पुलिस को लाके खड़ा कर देता। पहले पुलिस आ जाओ, पहले पुलिस आ जाओ। केजरीवाल कुछ अच्छा करता, पुलिस ले आता। युवाओं का करियर खा गया, युवाओं का करियर खा गया। मोदी बकवास करता है यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई किस तरीके से जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि करियर खा गया। खुद चावल बनाता था, चला चावल पाएंगे, सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।